महाराष्ट्र को एक बार फिर नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिल गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद से वीडियो लिंक के माध्यम से 3 नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद महाराष्ट्र में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन की संख्या अब बढ़कर 11 हो गई है। इन ट्रेनों की समय सारिणी जारी कर दी गई है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि नई ट्रेन नागपुर, सिकंदराबाद, कोल्हापुर, पुणे और पुणे हुबली मार्गों पर चलाई जाएगी। पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे द्वारा अब तक महाराष्ट्र में विभिन्न मार्गों पर 8 वंदे एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही थी। मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने जानकारी दी कि तीनों नए मार्गों पर वंदे भारत ट्रेन सेमी हाई स्पीड ट्रेन का एडवांस 2.2 वर्जन है। पुणे कोल्हापुर और पुणे हुबली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी, जबकि 20 डिब्बों वाली नागपुर सिकंदराबाद वंदे भारत ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। मध्य रेलवे ने बताया कि पुणे हुबली वंदे भारत एक्सप्रेस सोमवार को पुणे से 4:15 पर रवाना होगी और उसी दिन रात 11:40 पर हुबली पहुंचेगी। वहीं नागपुर सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस नागपुर से शाम 4:15 पर रवाना होगी और उसी दिन रात 11:25 पर सिकंदराबाद पहुंच जाएगी। राज्य में यात्रियों की मांग को महागठबंधन सरकार ने पूरा किया है। वंदे भारत ट्रेन के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था। मुंबई से मंगला वागे की रिपोर्ट। हमारे लिए ग्रीन फ्यूचर, नेट जीरो, ये कोई फैंसी वर्ड्स नहीं है, ये भारत की जरूरत है, ये भारत का कमिटमेंट है, भारत की हर राज्य सरकार का कमिटमेंट है। एक डेवलपिंग इकोनॉमी के नाते हमारे पास भी इन कमिटमेंट से बाहर रहने का जायज बहाना था। हम दुनिया को कह सकते थे कि विश्व को तबाह करने में हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन हमने ऐसा करके हाथ ऊपर नहीं किए। हम मानव जात के उज्जवल भविष्य की चिंता करने वाले लोग थे और इसलिए हमने दुनिया को राह दिखे उस प्रकार से जिम्मेवारी के साथ अनगिनत कदम उठाए हैं।